बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैयद अली बहादुर बुखारी। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। चीज़ें उधर रखी, हेलमेट, चश्मा हमारा और बैग पहने हुए हैं। तो सूरत हाल कुछ यह है कि हफ्ता था, गरीब खाने आए और रात को सरकार इधर तशरीफ़ लाए हुए थे। साउ का इस साइड की कंपेन थी, चूँकि इधर भी साई मतलब इलेक्शन लड़ रहे हैं। और अभी सुबह जो है, नेक्स्ट आज संडे हो गया, तो अभी उस तरफ तशरीफ आवरी है। तो वैसे जाना तो मैंने कल था, आज सारा दिन इधर गुजारना था, बट मैंने कहा नहीं चलें, अगर सरकार तशरीफ लाएं तो हम हाजिर ना हो तो मुनासिब तो नहीं है। हालांकि साईं ने मतलब कहना कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी एक वो कह लें कि अदब रखते हुए ये वो सारा। खैर, जा रहे हैं उधर। तो अभी आगे मैं वीडियो कुछ चला रहा हूँ, पिछली जो कि जिस दिन सरकार तशरीफ़ ले गए हैं डीसी ऑफिस और दरख्वास्तें वगैरह दी हुई हैं। दरख्वास्तें दी तीन हलकों में, 238, 39, 40, बहावल नगर के, और बाकी और हलके हैं वो फिर इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी वीडियो में लगा रहा हूँ आगे वो वाली। हम जा रहे हैं और उधर जो है दरख्वास्त दी है और फिर इंटरव्यू भी दिया है 92 न्यूज़ को। और वो भाई एंकर साहब जो थे, वो कभी उर्दू में सवाल, कभी पंजाबी में, तो सरकार फिर उस हिसाब से जवाब देते रहे। वो भी आप देखेंगे सारा, और ये देख के सारा फिर हम जो ये वाला व्लॉग है इसको कंटिन्यू करेंगे आज इंशाल्लाह। सलमान मोहसिन गिलानी जिंदाबाद, कहिए सलमान मोहसिन गिलानी जिंदाबाद, कहिए सलमान मोहसिन गिलानी जिंदाबाद, कहिए सलमान मोहसिन गिलानी जिंदाबाद, बीएचपी जिंदाबाद, बीएचपी जिंदाबाद, बीएचपी जिंदाबाद, बीएचपी जिंदाबाद, तेरी जान मेरी जान, जय सलमान। मेरे ख्याल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कुछ रीजन रह नहीं जाती कि इलेक्शन ना हो। हर किसी को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की तामील करनी चाहिए, और चूंकि वो एक सुप्रीम इदारा है और अल्टीमेट इदारा है, उत्थे की गल भी अगर नहीं मनी जाएगी तो फिर तो लाकानूनीयत होगी मुल्क, फिर कानून का तो कोई निजाम रह ही नहीं गया, फिर आखिर किंदा निजाम चल किंदा रहे। दैट्स द फाइनल कोर्ट और उन्हें फॉलो करना चाहिए। हर बंदे दी अपनी अपनी राय है, जिहड़ी मैं राय रखना, मैं सुप्रीम कोर्ट नूं एक अल्टीमेट और सुप्रीम इदारा समझना, और मैं समझना उत्थों जिहड़ा भी फैसला आ जाए इस मुल्क दे हर शहरी नूं उस फैसले की इज्जत करनी चाहिए और कदर देनी चाहिए। आपकी जमात का क्या मंशूर है अगर इलेक्शन नहीं होते? रोडों पे निकलेंगे, आवाम को बाहर निकालेंगे, कोई एहतजाज करेंगे? यकीनन एहतजाज भी, और हम सपोर्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट को जी। सुप्रीम कोर्ट सबसे सुप्रीम इदारा है और हम उसी को मानते हैं और कहते हैं। बेसिकली फिर ये लंबी बात हो जाएगी, कानून एक अल्टीमेट एक इदारा है जहाँ पे आके वाजे होना चाहिए कि कानून के या जो मामलात जो इश्यूज हैं उनका असल फैसला क्या है या वो किस तरफ जाने चाहिए। तो फिर वहां से जो डिसीजन आ जाए उसको सबको फॉलो करना चाहिए और सबको उसकी इज्जत करनी चाहिए। पहले एक शॉर्ट था इमरान खान घड़ी चोर है, अब कल परसों से उनके बारे में कमेंट, कल परसों से मेरा उसका आइडियोलॉजी नहीं है कि मैं दूसरों को बैक। मेरे ख्याल से हम सबको अच्छा बनने की जरूरत है, हम सबको बेहतर बनने की जरूरत है, एज ए कॉम हमें इम्प्रूव करने की जरूरत है, और हमारा वही मकसद है कि हम लोगों को जिंदाबाद।
मोहसिन गिलानी जिंदाबाद, ईमान सैयद सलमान मोहसिन गिलानी जिंदाबाद, ईमान सैयद सलमान मोहसिन गिलानी जिंदाबाद, आस्थाना लिए कबूला शरीफ। अच्छा यार, ये वीडियो तो काफी मैं पुरानी मतलब अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ। खैर, ये साई फिर इधर से तशरीफ लेके चले गए। लास्ट जो आपने देखी थोड़ी वीडियो, तो हुआ कुछ यूं, एंटर जब हम हुए, जाहिर है और भी अहबाब आए हुए थे दरखास्त देने, और भी काफी एमपीए साहबान जो एमपीए की दरखास्त देना चाह रहे थे, अपने डॉक्यूमेंट जमा कराना चाह रहे थे, वो आए हुए थे। तो सरकार उनसे भी मिले, वो अंदर की मैं वीडियो नहीं बना पाया, साइयों के साथ ही थे। तो फिर वो सारे दूसरे अहबाब बैठे थे, मुनासिब नहीं था उधर कोई कैमरा ऑन किए हुए नहीं था। तो जो बाहर अहबाब थे ना, जो वो गैलरी में खड़े थे या इस टाइप के, तो सरकार वो दूसरी पार्टी से आए हुए थे, मतलब हर क्या जाहिर है जिसका जो नजरिया या पार्टी, तो उसको हमने जो साइयों ने फिर उसको जो है सब कारकुनान के साथ हाथ मिलाया और ऐसे बाय बाय भी किया। ये आपने पहले देखा है, वो हमारे साथ नहीं थे, वो अदर पार्टी के थे। हालांकि कोई और एमपीए साहबान या कोई इस टाइप का कोई जाए, या खैर एमपीए तो वो तो साई अभी इलेक्शन ये लड़ रहे हैं, तो वो तो एमएनए दो बार रह चुके हैं, और सारा ये वो एमपीए शेमपीए या एमएनए भी उसकी भी उनके यहाँ कोई इतनी अथॉरिटी नहीं है और ना ही उनको देते हैं। उनका स्टेटस एक अल्लाह पाक ने उनको दिया हुआ है जो कि क्यामत तक रहना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो खून रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सेकंड जो है इधर माशाल्लाह, इधर अल्हम्दुलिल्लाह और माशाल्लाह, इधर के बहुत बड़े वो पीर हैं ना, सही सलमान मोहसिन, सैयद दीवान गुलाम दस्तगीर गिलानी सरकार के बेटे हैं, और बहुत बड़ी गद्दी के मालिक हैं, बहुत बड़े सजादा नशीन है। जहां जाए हजारों लोगों जो है इंतजार करते रहते हैं, हाथ पांव चूमते रहते हैं साईयों के। खैर, तो ये तो वो ऐसे ही एक उनका अवाम की खिदमत का इरादा है, बाकी ना उन्हें को पैसे की जरूरत है, क्योंकि इलेक्शन आप दो वजह से लड़ते हैं ना, या इज्जत बन जाए, मतलब यही कि प्रोटोकॉल हो, इज्जत हो, ये वो सारा। खैर, वो तो साइयों का पहले ही बेबहा है, कोई भी आप वजीर आजम ले लें, कोई भी सदर ले लें, तो उसके हाथ पांव तो कोई नहीं चूमता ना, कोई भी हो, हर कोई बस ठीक है सलाम करता है, आप वजीर आजम है, वजीर आजम पाकिस्तान है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, या किसी भी और मुल्क के, उसकी हम अवाम की बात कर लें, किसी अनदर कंट्री की, तो ऐसा नहीं होता। खैर, साइयों के वो लोग अकीदत में मोहब्बत में हाथ भी चूमते हैं, पाव भी चूमते हैं, उनका कोई प्रोटोकॉल की और इसके इससे ज्यादा क्या प्रोटोकॉल हो सकता है, जो अल्लाह पाक ने उनको एक स्टेटस एक लेवल अता फरमाया हुआ है। खैर, ये वो सारा, फिर उसके बाद साईं तशरीफ लेके चले गए और हम फिर वापस आ गए। तो व्लॉग को भी यहीं पे एंड कर रहे हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो व्लॉग है उसमें तो हम कैंपेन की जो जब जाते हैं थोड़े बहुत वो क्लिप ले लेते हैं, तो वो भी आपसे शेयर करेंगे। और ये वो सारा, खैर वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और दूसरों के साथ शेयर कर दें, बेल के आइकॉन होते हैं पता, आइकन कहते हैं, आइकॉन बहरहाल जो भी है उसको आप प्रेस कर दें, तो ये वो सारा, और जुड़े रहें इस चैनल के साथ। अगर कोई आपका अच्छा मशवरा है जरूर कमेंट कर दें, कमेंट मैं सारे पढ़ता हूँ, और उसके उस हिसाब से फिर चलते भी हैं, कोशिश करते हैं, अगर रिप्लाई दे सके तो रिप्लाई भी देते हैं, नहीं तो दिल तो लाजमी दे देते हैं, भेज देते हैं कमेंट में। तो व्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह ताला और उसके रसूल पाक की